प्रदूषण फैलाने के मामले में ग्वालियर जिले ने दिल्ली को भी पीछे पछाड़ दिया है। यह हकीकत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़े बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता 226 है, जबकि ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 हो चुका है। इससे बुधवार को सुबह से लेकर दोपहर तक शहर में धुंध छाई रही और ये स्थिति अस्थमा और सांस रोगी, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है। इस दिन चिकित्सकों के पास पहुंचे मरीजों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई। इतना ही नहीं, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने को भी कहा गया है। इधर प्रशासन ने बुधवार को आनन फानन में बैठक लेते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पराली और कचरा जलाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए कहा गया और संभागायुक्त ने नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। और टीबी एंड चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्जवल शर्मा का कहना है कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर खतरनाक है। प्रदूषण के कण सांस के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचते हैं, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सावधानी रखें और मास्क के साथ ही घर के बाहर निकलें।